आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, मनोज पॉल जो कि दिल्ली में छुप करके बैठा हुआ था, वो बंदा फाइनली अंडमान आ गया आज। और मैं गई थी वहां पर, रफीक भैया भी गए हुए थे। हम इसलिए गए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बैठ करके दूर दराज में किसी के बारे में कुछ भी बोलेगा, और अगर आप ओके हो, आप ले रहे हो, तो ठीक है, बट मुझे नहीं लेना है। मैं नहीं चाह रही कि मेरे लिए कोई भी कुछ भी बोल करके चला जाए ऐसी। और मनोज पॉल ने तो स्पेशली मेरे लिए 2-3 वीडियोस बनाए हैं बकायदा। ट्वीट का तो खैर कोई अंत ही नहीं है, और जो उनके चले चमाटे हैं वो तो है ही है। इसलिए मुझे आज जाना पड़ा। और मैंने ये मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मनोज पॉल जिस दिन भी आएगा, जब भी वो अंडमान लैंड करेगा, मुझे उसे 2 थप्पड़ तो खींच के लगानी ही थी। और मैं आज गई भी इसीलिए ही थी कि उसको उसका औकात, उसका जगह दिखा दूं। जिस तरह से वो बैठ करके कमेंट के ऊपर कमेंट करता है, किसी ने उससे एडवाइस मांगा नहीं है। मेरे घर वाले हैं मुझे देखने के लिए, मुझे एडवाइस देने के लिए। तो मनोज पॉल कोई होता नहीं है जो मुझे वो सजेस्ट करेगा कि मुझे ये यूट्यूब चैनल बंद करके कुकरी शोज करना चाहिए, मुझे कब शादी करनी चाहिए, क्या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब एक हमारे पास में अपनी बीवी है, अपने घर वाले हैं, सजेशन देना है वहां दो ना। तुमसे जो नहीं मांग रहा उसे जाके मुफ्त में सजेशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम्हारा सजेशन का जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई बात? मैंने पहले ही बोला था, अनवांटेड लोगों से मुझे कोई बात करने का शौक है नहीं। और तुम्हें किसने राइट दे दिया मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, मेरे फिजिकल अपीयरेंस पे बोलने का, मेरे टैटू पे बोलने का, मेरे पर्सनल लाइफ में झांकने का? मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में अगर झांकने जाऊंगी ना मनोज पॉल, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जानी है। आई स्वेयर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जानी है। मैंने पहले भी बोला था, मुद्दे से हट करके बात मत करो। तुम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, उसी मुद्दे पर बात होता बेटर था। तुम पर्सनल आ गया, एकदम से पर्सनल अटैक में आ गए, पर्सनली कमेंट करना, इधर का सुना वाला उधर लगा देना, यहां से इसके थ्रू ट्वीट करवा दो, उसके थ्रू ट्वीट करवा दो, तो तुम्हारा बहुत हो चुका था। और बाकियों का मुझे नहीं पता, तुम बाकी जिनके बारे में भी जो भी बोलता है, लिखता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है उनका, उनको ये लगता है कि तुमको इग्नोर करना चाहिए। तुम कई जमाने से लिखता आ रहा है, एक्सट्रॉशन कर रहा है, या जो भी तुम कर रहा है, मुझे तुम्हारे बारे में ना पता है ना मुझे जानना है। और जो कुछ तुम्हारा वो पुलिस फाइल जो मुझे मिला है, जिसमें तुम्हारे वो 9 केसेस के बारे में है, उसके बाद में जब तुमने मेरे पे जो पर्सनल वीडियोस बनाया ना तुमने, उसके बाद जब मैंने तुम्हारे बारे में खंगाला है, तो बहुत कुछ निकल के आया है। और वो सब बोलने जाऊंगी ना, अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है कि जब बात हमारा 1-to-1 है, फैमिली पे क्यों जाए, हाँ बहन पे क्यों जाए, भाई पे क्यों जाए, माँ बाप पे क्यों जाए, मुझसे नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा 2-3 लोगों ने और ने किया हुआ है, मेरा पूरा खानदान तक चले गए हैं, और उनका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास होने के बावजूद मैंने आज तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसका भी फैमिली है, बेकार में अननेसेसरली डिस्टर्ब हो जाएगा बोल करके, ठीक है। तो मुझे प्रोवोक मत करो, मैंने बार बार बोला, जिस मुद्दे पे बात हो रही है, जिस इशू पे हम दोनों का अलग अलग ओपिनियन है, उसी पे रहो, उसी पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे, मेरा करियर, वो सब देखने वाला तुम कोई नहीं है, और तुमको कोई राइट नहीं है, ठीक है। तुम मुझे बोल रहे हैं मैं बदसूरत औरत, ये वो ना, तुम अपना शक्ल देख लो यार, प्लीज। तुम्हारे पास भी घर में एक बीवी है खूबसूरत सी, तुम उसे देख लो। तुम दूसरी औरतों को क्यों देखता है, क्यों कमेंट करता है? आज जब मनोज पॉल एयरपोर्ट उतरा, एज यूजुअल सभी को पता था कि मनोज पॉल आ रहा है तो पुलिस तो फिर उसे प्रोटेक्शन देगी ही बेचारा। मैं मनोज पॉल को आवाज ही दे जा रही हूं, और मनोज पॉल ऐसे भाग रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अरे भाई रुकता,
वीडियो में तो तुम बहुत बकवास करता है, बहुत बोलते हो, ट्विटर में लिख लिख के भर देते हो, रुक जाता, इतने आवाज देने पे भी तुम ऐसे एकदम गौ की तरह सीधा जा रहा है, बिल्कुल तुम कुछ जानता ही नहीं है। हाँ, नौ जाने छह जाने ना वाला हाल था तुम्हारा, एकदम से इनोसेंट बेचारा, उस वक्त वैसा वाला हो गया ना कि तुम कुछ नहीं जानता, तुम कुछ नहीं करता, है ना, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से तुम्हारा आवभगत होगा करके। और लिटरली अंडमान निकोबार पुलिस, आपकी तो जय हो, आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देती हूं। इस बंदे ने किसी एक आईएस को नहीं छोड़ा, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को उंगली करता है, अननेसेसरली भी करता है, कई मुद्दे उसने जेन्यूनली रेज किया है जो मुझे भी सही लगा है, कई लोगों ने मुझसे ओपिनियन पूछा, मैंने भी बोला है कि नहीं ये इशू सही है उसने जो रेज किया है, अच्छा है, बट अनवांटेड पर्सनल टारगेट जो तुम करता है, बहुत ही घटियापन है, बहुत ही घटिया आदमी है तुम्हारा सोच। हाँ, तुम जो फैमिली में फिर बच्चों तक जो तुम चला जाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा चीप बात जो तुम करता है, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है वो तुम बता देता है, और फिर तुमको बताना पड़ता है कि हम कितना पढ़ा लिखा है। भाई मेरा पूरा खानदान का पढ़ाई उतना नहीं होगा जितना तुम्हारा है, फायदा क्या है, पढ़ा लिखा गंवार है तुम, हम तो चलो अंगूठा छाप है, ठीक है, हम एकदम लिटरली हम अंगूठा छाप है, मैंने आज तक स्कूल का शक्ल तक नहीं देखा है, मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, मुझे कुछ भी बोलना लिखना पढ़ना नहीं आता है, पर तुम तो मेरे पूरा खानदान का पढ़ाई मिलाने से तुम पढ़ा लिखा है ना, तो पढ़े लिखे जैसा बिहेव करो ना, क्यों जाहिलों जैसा बिहेव करता है। और अंडमान निकोबार पुलिस हर एक SHO से लेकर के, IAS से लेकर के, DGP से लेकर के, हर किसी के बारे में वो सब कुछ बोलता है, जजेस को तो नाम से बोलता है, नाम से उनका मतलब सब कुछ डिक्लेयर कर देता है, ये वाला जज ऐसा है, वो वाला जज वैसा है, ये बिका हुआ है, ये पागल औरत है, क्या कुछ नहीं बोला, बट स्ट्रेंज कि किसी ने उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं किया, उल्टा उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कोई महात्मा आ रहा है क्या भाई जिसे आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो। हाँ, वो मार खाने वाला काम करता है, दिल्ली में बैठ करके फालतू में इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है, एक्सटॉर्शन करता है, उंगली करता है, उनको डिफेम करता है, और फिर पुलिस हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करती है कि भाई महात्मा आ रहा है, हम तो उस पर फूल बरसाएंगे, है ना, चप्पल ना बरसे उन पे, पुलिस प्रोटेक्शन एकदम घेर के। आज जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तब तक कोई नहीं था वहां पे, दो तीन CID वाले थे, उनको लगता है उन्होंने अपना प्रेडिक्ट किया था कि आज कुछ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से मनोज पॉल पगलाए फिरता है और सोशल मीडिया में लिखे जा रहा था, तो उनको लगा कि बहुत लोग आएंगे, बट एज यूजुअल सिर्फ मैं थी और रफीक भैया थे, और हम दोनों को अपने अपने हित के लिए लड़ना था, तो मैं तो गई थी क्योंकि मेरे इज्जत पे बात आई है, भाई मैं नहीं छोड़ूंगी, और मैंने किसी को ऐसे छोड़ के नहीं दिया हुआ है कि कोई भी आए मुंह उठा के कुछ भी बक के जाए, मैंने कोई धमकी उसे नहीं दी थी कि तुम उतरो तो मैं देखती हूँ, वैसा नहीं दिया था, गरजने वाले बरसते नहीं है, और जिसे बरसना है उसे गरजने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा, तीन तीन लेडी पुलिस ने मुझे इस तरह से होल्ड कर लिया, इस तरह से पकड़ लिया जैसे कि क्रिमिनल मैं हूं, क्रिमिनल आप लोगों के सामने से आ रहा है, उसे पुलिस एकदम घेर के, उसे प्रोटेक्शन के साथ में भाई साहब को एकदम कार में बिठा दिया, भेज दिया उसे, क्यों भेज दिया भाई, उसने मुझे भी डिफेम किया, मैं भी महिला हूं, मुझे कोई वुमेन कार्ड नहीं खेलना, मैं कोई पीड़िता नहीं हूं, बट मुझे अपने राइट के लिए लड़ना आता है ना, दो थप्पड़ मुझे भी लगा देने देते, वो तो आप लोगों ने नहीं करने दिया। जय हो अंडमान पुलिस की, जय हो। मे बी शायद आप लोग और भी इंतजार कर रहे हैं कि ये आदमी और नेस्टी बोले और कुछ करे, मतलब एक्सट्रीम लेवल तो क्रॉस हो चुका, पता नहीं आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, किस लिए इसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है क्रिमिनल को, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस तरह तो फिर हर किसी को आप दीजिए ना पुलिस प्रोटेक्शन। हाँ, ये तो हमेशा बैठ करके किसी ना किसी को धमकाता रहता है, AK सिंह, SHO को, उनके बच्चों को, सबको पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, कोर्ट से ऑर्डर करवाइए, जो जो करवाना है करवा के दीजिए ना, सिर्फ मनोज पॉल को ही क्यों। मेरा रिक्वेस्ट है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, कि इस तरह के लोगों को अगर आप लोग पुलिस प्रोटेक्शन दोगे तो फिर जेन्यून लोग कहां जाएंगे बताइए ना, किस पे ट्रस्ट करेंगे, और आप लोगों पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, आप लोग क्रिमिनल्स को सेव कर रहे हो, सेव गार्ड करके उनको बकायदा एयरपोर्ट से स्कॉर्ट करके लेकर जाके उसके गाड़ी तक बैठा के दे रहे हो, क्यों दिया। अंडमान निकोबार पुलिस जिस तरह से मनोज पॉल को सेफ गार्ड कर रही है, क्या रीजन है मुझे नहीं पता, और क्यों उसे इतना पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और ऐसा उसने कौन सा तीर मार लिया है जो उसे पुलिस प्रोटेक्शन में बचाना है या कुछ करना है,
मुझे नहीं मालूम है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो भी आप लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन कोर्ट के थ्रू या कहीं से भी दिलवाया है वो रिवोक किया जाए, क्योंकि वो कोई सज्जन आदमी है नहीं, फालतू में बैठ करके पिटने का काम करता है तभी उसे लोग पीटते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या जो लोग आराम से रहते कोई किसी को कुछ करता है क्या? नहीं करता है ना। और ये यहाँ नहीं रह करके इसका हरकत इतना है, ये दिल्ली में बैठ करके इतना खुराफात करता रहता है, अंडमान में रहे तो सुधर जाएगा ये। और सबसे बड़ी बात अंडमान निकोबार पुलिस की मैं क्या बोलूं, मैंने 19 नवंबर को मारखंडे तिवारी के अगेंस्ट एक कंप्लेन लॉन्च किया था जिसमें बहुत क्लियर कट एफआईआर बनता था, मर्दों का नाम लिखा था, बहुत कुछ लिखा, लास्ट में फाइनली ये भी लिखा कि जिस तरह मनोज पॉल पीड़िता को सपोर्ट कर रहा है आप भी पीड़िता का साथ दीजिए, सिर्फ इसलिए कि मैंने मेरा स्टैंड इस केस में दूसरा है, उन्होंने जो मर्जी जितना मन में उनका गंध था, दिमाग में गंध था, या जिस किसी ने भी उनको जो भी फीड किया उसे लेकर के उसने खूब सारा लिखा, फॉरवर्ड किया बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैंने वो सारा स्क्रीनशॉट जितना मारखंडे ने फॉरवर्ड किया, जब जब अपलोड किया, जब डिलीट किया, सब कुछ का प्रिंट आउट बकायदा निकाल करके कंप्लेन लेटर मैंने दिया था कि इस पे एक्शन होना है। बावजूद उसके जब मैं 3-4 दिन पहले गई हो क्या स्टेटस है पता करने का, तो अबडीन पुलिस ने उसे बड़े संभाल के अच्छे से दबा के रखा हुआ है, ना तो मारखंडे तिवारी को बुलाया गया, ना कोई इंक्वायरी किया गया, कुछ नहीं। यहां पे इंक्वायरी देखिए किस पे हो गए, हम पे होगी, हम लोग अगर कुछ बोल दे तो पुलिस बुला लेगा, पूछेगा, सवाल करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोगों को खुला छोड़ रखा है, इनके लिए अलग ही रिलैक्सेशन है कि आप लोगों से तो हम कुछ नहीं पूछेंगे, मारखंडे तिवारी है, मनोज पॉल है, उसने भी मेरा कैरेक्टर असासिनेशन किया, मारखंडे तिवारी को जवाब देना पड़ेगा भाई कि तुमने अब जितना कुछ मुझे मेरे लिए बोला है, जितने लोगों के साथ नाम जोड़ा है ना, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें बताना पड़ेगा, अदरवाइज जिस तरह आज मनोज पॉल तो फिर खैर पुलिस प्रोटेक्शन में बच गया, तुम्हारा तो मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता, ठीक है। 2 दिन पहले मैंने मनोज पॉल के अगेंस्ट भी अबडीन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लेटर दिया है जिसमें उसने मेरा कैरेक्टर असासिनेशन किया है, मेरे फिजिकल अपीयरेंस पे बोला है और बहुत कुछ जो जिसकी जरूरत नहीं थी उसने दिल खोल के फुर्सत में बहुत कुछ मेरे लिए बोला है, लिखा है बाकायदा, तो उस पे भी मैंने एक कंप्लेन लॉन्च किया है। देखते हैं पुलिस क्या करती है, जिस तरह मारखंडे का फाइल दबा करके बैठ गए हैं, मे बी मनोज पॉल वाला भी कंप्लेन लेटर वो लोग दबा के रख दे, क्योंकि मनोज पॉल को तो पुलिस प्रोटेक्शन में रखते हैं भाई, देवता है वो अंडमान का, अंडमान का नाम का धज्जी उड़ा के रखा हुआ है हर जगह, करप्शन का बात करता है जो आदमी, हाँ उस पर खुद एक्सट्रॉशन के केसेस हैं, खुद एक्सट्रॉशन करता है वो करप्शन की बात करता है, किस तरह लोगों को मिसगाइड कर रहा है। और मैं तो उन महान आत्माओं को सलाम करती हूँ जो उसके बात को मान करके उसकी वाहवाही करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 30-40 लोग ही है, इनका एक झुंड है छोटा सा, तो वो 30-40 लोगों को सलाम है, क्या आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर है और क्या जज्बा है, आप लोग तो नो कमेंट। तो और चलिए देखते हैं, मनोज पॉल आया है अंडमान और अब वो क्या क्या करप्शन बाहर लाता है, या फिर हम लोग उसके करप्शन को बाहर लाते हैं, कैसे क्या करते हैं देखते हैं, आगे बताएंगे आपको। और मनोज पॉल के चेले चमाटे, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो बकवास करना है, जो तारीफें करनी है वहां जाके उसके प्लेटफॉर्म में करना, मैंने तुम लोगों के लिए नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे वैल्यूबल व्यूअर्स हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो सच जानना चाहते हैं, उनके लिए है। तो मेरे किसी भी वीडियो में आके कमेंट करना और वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, श्रीनाथ वशिष्ठ का एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग उसके फेक आईडीज जो भी है, क्योंकि मैंने अभी साइबर में भी दिया हुआ है, ये जो ट्वीट हो रहा है ना, एक दो ही है, बड़े एकदम पूरे शिद्दत से लगे हैं, तो फिर मुझे मैंने पूछा था तो फिर बताया गया कि आप साइबर में दे दीजिए, आपको जो बंदा अपने अपना आइडेंटिटी छिपा करके फेक आईडी से कर रहा है तो उसका हम बता देंगे, तो वो भी फाइनली अभी हो गया है, तो वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं उस पर पूरे, मतलब तिरछी टोपी वाली से लेकर के सब कुछ खुलासा होगा। अब बचा ही कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो लोग जितना बोल सकते, अब एक लेडी के लिए और तुम लोग क्या बोलोगे, क्या बचा क्या है, तो इसलिए अब खुल्लम खुल्ला, मैं नहीं चाहती थी किसी के पर्सनल उसमें जाना, जिस मुद्दे पे हो रहा था मुझे उसी टॉपिक में रहना था, उसी में बात करनी थी, उससे हट करके कुछ भी नहीं करना था, बट जब आप लोग आ ही चुके हो, आपने मतलब सोच ही लिया है
और बहुत लोगों ने मुझे बोला बाबा क्या लैंग्वेज है, तो मैं तो जैसे के साथ तैसे ही हूं, बिल्कुल। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, तो जिसे मुझे बदतमीज बोलना है बदतमीज बोले, क्या लहजा है, क्या लैंग्वेज है, क्या गाली गलौज है, जो बोलना है बोलो, मेरा लाइफ मेरी मर्जी, आपका क्या है, आप अपना देख लो ना, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली मैं ना कुछ इन्फॉर्मेटिव करना चाहती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि इन छिछोरों के चक्कर में मैं भी मतलब अभी ऐसे ऐसे वाला फालतू फालतू वीडियोस बनाने लगूंगी, ऐसा लग रहा है। बट लेकिन ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है कि अगर आप चुप बैठते हो तो सामने वाले को लगता है कि देखा हमने डरा दिया, हमने धमका दिया, हमने रोक दिया। ऐसे मैं ट्वीट करूं तो किसी के पेट में बहुत दुखता है। तो ये वाला अब नेक्स्ट वीडियो करते हैं, एक दो इन्फॉर्मेटिव करूंगी, देन उसके बाद में फिर इसी तरह एक फालतू सा वाला फालतू लोगों के लिए टाइम निकाल करके उनके लिए बनाऊंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।